हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये देखो, ये मेरा पबजी मोबाइल ग्लोबल 1.3 वर्ज़न है जिसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, और यहीं पर मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरा जो गेम है बिना वीपीएन के चल रहा है और आपका भी गेम बिना वीपीएन के चलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉग आउट किया था, लॉग आउट करके रूटीन रिपेयर किया था और उसको अपडेट करूँगा आपके सामने। वीडियो कहीं से भी नहीं काट रहा हूँ और यहाँ पर इसको अपडेट भी करूँगा और गेम लॉग इन भी होगा। और ऊपर देख सकते हो आप, कोई वीपीएन कनेक्टेड नहीं है, मोबाइल डाटा से खेल रहा हूँ मैं गेम, जियो का सिम लगा हुआ है। और यहाँ पर गेम मैं खेल के आपको दिखाऊंगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा स्पेशल, आपको खाली फॉलो करना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको जो भी सेटिंग करना रहेगा इसमें खेलने के लिए, अगर कोई भी एरर आ रहा है तो वो हर एक चीज़ बता रहा हूँ, तो वीडियो को कहीं से भी आपको मिस नहीं करना है। और आगे चल के आपको बिना वीपीएन के गेम भी खेल के दिखाऊंगा और अभी लॉग इन करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वीपीएन कनेक्टेड नहीं है, बिना वीपीएन के मैं अभी आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ गेम खेल के भी दिखाऊंगा, कहीं से भी कुछ भी वीडियो एडिट नहीं है। और हाँ, आप लोग को भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे आप खेल सकते हो पबजी मोबाइल अपडेट करने के बाद, वो भी बिना वीपीएन के। तो मेन मुद्दे पर आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक कमेंट करके जरूर जाना यहाँ पर कि आपका गेम चला कि नहीं ट्रिक को यूज़ करने के बाद, जो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको गेम प्ले दिखा दूँ कि मेरा गेम चल रहा है बिना वीपीएन के और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा गेम ओपन हो गया, कहीं पे लॉगिन के लिए वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ी। और अभी आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले तो देखना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, 950 MB का पबजी है वो, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल मत करना। सबसे पहले क्या करना पता है, अपने फ़ोन में जो पहले से पबजी मोबाइल डाउनलोडेड है, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड है, उसको पहले उसका क्लियर डाटा करना है, ठीक है। उसको अनइंस्टॉल करने से पहले उसका क्लियर डाटा करना, फिर उसको अनइंस्टॉल करना और एक बार देख लेना उसका कोई फाइल वाइल तो नहीं बना हुआ है, अगर बना होगा तो उसको डिलीट कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो नया पबजी है उसको इंस्टॉल करना है आपको। उसको इंस्टॉल करो और गेम को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे शुरू में कुछ डाटा लेगा आपसे, कुछ कुछ डाउनलोड होगा, कुछ कुछ अपडेट होगा, ऑटोमेटिक कर लेगा वो पबजी। और जब पहली बार गेम ओपन करोगे तो हो सकता है लॉगिन के टाइम आपको दिक्कत आए, वैसे तो 95% लोग के में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने मोबाइल सेटिंग में जाओ और वहाँ पर देखो प्राइवेट डीएनएस कहाँ पर लिखा हुआ है। प्राइवेट डीएनएस में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वो ऑटो या फिर ऑफ़ में सेलेक्ट रहेगा, तो आप उसको प्राइवेट में सेलेक्ट करो और वहाँ पर लिखो dns.google और उसको सेव करके एग्जिट कर दो। आप फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट भी कर सकते हो यहाँ पर इसको सेव करने के बाद। और अगर आपके में प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके आप कोई सा भी एक रैंडम डीएनएस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वो वीपीएन नहीं होता, वो डीएनएस होता है, उससे पिंगविंग हाई नहीं होता, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा आपका कोई सा सवाल है तो वो मेरे कमेंट बताओ, और ये चीज़ आपके में वर्क किया कि नहीं वो ज़रूर बताना, मेरे को काफ़ी खुशी लगता है। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।